नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गोरमिंग। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज हम बात करने वाले हैं ताप विद्युत गृह में इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जो कि आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं कि इसमें अप्लाई किस प्रकार से करना है, सैलरी कितनी रहेगी, कितने दिनों की छुट्टी रहेगी, कितने वर्ष की नौकरी रहेगी, ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दी गई है, वहाँ से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आप सभी को विभिन्न अपडेट व नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संजय गांधी ताप विद्युत गृह मध्य प्रदेश पंजय का लिमिटेड बिरहसीपुर उमरिया मध्य प्रदेश में है। ठीक है, शासकीय अशासकीय मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित शाखाओं में से एक वर्ष के लिए अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रमाण पत्र में आमंत्रित किए जाते हैं। केवल एक वर्ष का ये काम आपको दोस्तों करना है और ग्रेजुएशन के लिए अलग पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी और नॉन ग्रेजुएशन टेक्नीसियन के लिए यहाँ पर अलग पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन के लिए है और ये नॉन ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए टोटल 12 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 6 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 3 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए 1 पोस्ट। और यहाँ पर वहीं देख लेते हैं टेक्नीसियन अप्रेंटिस के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों मैकेनिक इंजीनियर के लिए 3 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए 3 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए 0 पोस्ट है। तो यहाँ पर टोटल ग्रेजुएशन के लिए 22 पोस्ट हैं और टेक्नीसियन के लिए 7 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक तकनीकी योग्यता शासन के नियम अनुसार रहेगी। ग्रेजुएशन अप्रेंटिस अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से उपरोक्त विषय में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में डिग्री या सामान्य विषय जैसे कि आर्ट कॉमर्स या साइंस में ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आप टेक्नीशियन में अप्लाई करना चाहते हैं तो तकनीकी शिक्षा से मान्यता प्राप्त संस्था से उपरोक्त विषय में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा आपको होना चाहिए। पात्रता यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी किसी भी स्थान संस्था से इससे पूर्व अप्रेंटिस हेतु पंजीयन ना होना चाहिए। अभ्यर्थी ने अपनी डिग्री वर्तमान सत्र 2023 से 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण किया होना चाहिए। उम्मीदवार ध्यान रखें कि शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिता के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है और नौकरी रोजगार के लिए नहीं है। मतलब आपको इसमें जब आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट यानी एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सर ही मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये टर्म एंड कंडीशन खुद से ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दस्तावेजों की, तो स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, विकलांगता या अगर आप हैं तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा और 10वीं बार भी आपको देना। और यहाँ पर इसका आवेदन पूर्णतः ऑफलाइन होंगे तो उसके लिए यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म देखने को मिल जाएगा या आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पूरा देख देख कर भर दी। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि इसे किस पते पर भेजना है, तो पूरा आवेदन आप जब भर लोगे इसमें पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लोगे, इसे एक कागज में भरकर आप इस पते पर भेज सकते हैं। कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संजय गांधी ताप विद्युत गृह बाजाई लिमिटेड बीरसिंहपुर उमरिया पिन कोड भी यहाँ पर देख रहा है, इस पर भेज देना। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम ऊपर ही आपको लिखकर भेजना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ताप विद्युत गृह में ये वैकेंसी निकली थी। ऐसी वैकेंसी देखने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हो सके। अगर आपने ITI या टेक्नीशियन नहीं किया है तो ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिस भाई बहन ने किया है वो अप्रेंटिस कर सके 1 साल के, ताकि उन्हें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल सके। तो चलिए मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में। इतने नेक्स्ट वीडियो फंस जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।